हेलो गाइज, मैं हूं मिस्टर प्रोटोन। चलिए आज बात करते हैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे बीबी की वाइंस की, देन अमित बड़ाना, न्यूज बॉय, थाराबाई जोगिंदर, सौरव जोशी व्लॉग्स, मिस्टर बीस्ट और कल के अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान के मैच की फाइटिंग। सबसे पहले बात करते हैं बीबी की वाइंस यानी भुवन बाम से रिलेटेड। तो भुवन बाम ने कल एक स्टोरी शेयर की थी, कांट वेट फॉर टुमारो, कुछ ताजा आ रहा है, वन ऑफ माय फर्स्ट। तो आज उनका डिस्नी प्लस हॉट स्टार पे ताजा खबर का फर्स्ट लुक आया है। मतलब ये यूट्यूब से हटके उनका कुछ पहली बार कोई सीरीज आ रही है, तो इसका फर्स्ट लुक जारी हो चुका है डिस्नी प्लस हॉट स्टार पे, तो वहां जाकर आप इसे देख सकते। वो इस बारे में भुवन बाम ने क्या रिएक्शन दिया ये वीडियो देख लीजिए। हाँ भाई, तो जहाँ मैं अभी हूँ वहाँ बज रहे हैं रात के 2:30 और बैक होम इंडिया में सुबह 11 बज रहे हैं और अपलोड हो चुका है मेरे नए शो का टीजर, ताजा खबर का टीजर, जाके देखो। इट्स अ नेवर सीन अवतार ऑफ मी। चले नेक्स्ट अपडेट है अमित बड़ाना से रिलेटेड। कल अमित बड़ाना ने एक पोस्ट शेयर किया, उसमें दिख रहे कि वो केदारनाथ पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने एक अनाउंस किया न्यू प्रोजेक्ट का, तो उसका नाम है मेरा जूनियर। तो ये उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इसका फर्स्ट लुक देखना हो तो आप, मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख लीजिए। नेक्स्ट अपडेट है सौरव जोशी व्लॉग। सौरव जोशी व्लॉग ने रिसेंटली एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज मेरा बर्थडे और बर्थडे स्पेशल पे मैं कुछ नया अनाउंस करने जा रहा हूं। तो उनका बर्थडे स्पेशल पे एक न्यू सॉन्ग आया, वीडियो सॉन्ग, तो उसकी लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसे देख सकते। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मेरा बर्थडे सरप्राइज आ चुका है, जो कि आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करो, देखो, और काफी बढ़िया जा रहा है बर्थडे सुबह सुबह, और वो आप देख रहे हैं ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। चले नेक्स्ट अपडेट है थाराबाई जोगिंदर से। थाराबाई जोगिंदर ने कुछ न्यू स्टार्ट किया है। कुछ टाइम पहले उनकी एक वीडियो आई थी कि मैं सब कुछ छोड़ झाड़ के कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये लड़ाई झगड़ा सब कुछ बंद करके। तो उन्होंने नया क्या स्टार्ट किया वो आप देख लीजिए। तो भाई, अब रोज सुबह 8:30 मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग आया करेंगे। और हाँ, आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, कमेंट करके जरूर बताना मेरे व्लॉग में क्या कमी है, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं। कमेंट करके जरूर बताना जो भी कमी। तो अब वो व्लॉगिंग करने लग गए, तो उनका 3 दिन में 3 व्लॉग आ गया, और फाइनली मुझे लगता है कि अब उनको कंटेंट मिल गया है, और ऐसे ही वो रोजाना व्लॉग डालते रहेंगे। तो नेक्स्ट अपडेट है सतीश कुशवाहा यानी सतीश के वीडियो से रिलेटेड। तो आपको पता ही है आजकल संदीप माहेश्वरी कई सारे यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल उनका न्यू पॉडकास्ट आने वाला सतीश कुशवाहा के साथ। सतीश कुशवाहा टेक से रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं, तो इनका कोलैब जल्द ही दिखने वाला है। तो नेक्स्ट अपडेट है एमबीए चायवाला से रिलेटेड। तो एमबीए चायवाला ने निःशुल्क व्यवस्था की खाने की, वो भी अग्निवीरों के लिए। अग्निवीरों बेसिकली आपको पता ही कि इंडियन आर्मी से रिलेटेड न्यू भर्ती है, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट। वही नेक्स्ट अपडेट है न्यूज बॉय से रिलेटेड। आपको पता है न्यूज बॉय न्यूज कवर करते रहते हैं यूट्यूबर्स की, तो आज हम उनकी न्यूज कवर कर लेते हैं। तो फिलहाल आपको पता है सौरभ गैंगवार का केस चल रहा है, प्रखर गुप्ता ने उनपे 2 करोड़ का केस किया है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज बॉय ने भी कुछ पोस्ट किया है कि वो 25 करोड़ का मान आने का केस कर रहे हैं गौरव जोन पे, क्योंकि उन्होंने गौरव जोन को एक स्कैम बताया था 1 साल। वही इन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि मैं 2 करोड़ का केस करने जा रहा हूं द वंशज सिंह के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक वीडियो बनाया था। तो इस पर वंशज सिंह ने रिप्लाई करते हुए कहा कि भैया 2 साल हो गए, अब तो माफ कर दो। तो फिर से न्यूज बॉय ने कमेंट किया कि अब 2 साल में अब कितना लॉस हुआ मुझे, अब 4 करोड़ का केस कर रहा हूं मैं। वही न्यूज बॉय ने एक और ट्वीट करते हुए कहा कि मैं 10 करोड़ का केस ट्रिगर्ड इंसान के खिलाफ करने जा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे न्यूज बॉय की जगह न्यूज बॉय कह दिया। क्या मजाक चल रहा है भाई। ईशान खेड़कर एक और यूट्यूबर है, उन्होंने कहा कि मैं 1 रुपए का मान आने का केस करने जा रहा हूं न्यूज बॉय से रिलेटेड। तो आपको लग रहा है कि ये न्यूज देख के ये मजाक मस्ती के मूड में। वही सतीश कुशवाहा यानी सतीश के वीडियोस ने ट्रिगर्ड इंसान वाले ट्वीट पे कहा कि भाई ऐसा मत करो भाई, बस ये वो इतना अमीर है कि 2 मिनट में सारा पैसा दे देगा। तो वो ऐसे टाइम पास कर रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं, ये सीरियस मूड में बिल्कुल भी नहीं, तो कोई केस वेस नहीं कर रहे हैं ये, फिलहाल मस्ती मजाक के मूड में, तो इसे सीरियसली ना ले। तो नेक्स्ट अपडेट है मिस्टर बिस्ट से रिलेटेड। मिस्टर बिस्ट का एक और न्यू प्रोडक्ट आया, मिस्टर बिस्ट चॉकलेट। तो कल वॉलमार्ट के कुछ फोटोज देखने को मिले थे, आज क्लियर फोटो देखने को मिल गया कि हाँ ये चॉकलेट ही मिस्टर बिस्ट चॉकलेट। तो नेक्स्ट अपडेट है एप्पल से रिलेटेड। आपको पता कि कल एप्पल का इवेंट हुआ था और कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए, तो बेसिकली अपन फोन की बात करें तो आईफोन 14, 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स लॉन्च हुए। वही आईफोन 14 की प्राइस है करीब 80,000, आईफोन 14 प्लस की प्राइस है 90,000, वही आईफोन 14 प्रो की प्राइस है 1,30,000 और आईफोन 14 प्रो मैक्स की रेट है 1,40,000। नेक्स्ट अपडेट है बड़ा ही कॉमेडी वाला। कल आपको बता कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का मैच हुआ था, जहां अफगानिस्तान हार गए थे लास्ट ओवर में, और बीच ग्राउंड में बैट्समैन बॉलर की भी बहस हो चुकी थी, लेकिन ग्राउंड में बैठे दर्शक और फिर ग्राउंड से बाहर निकले दर्शकों का अलग ही माहौल था। उन्होंने कुर्सियां उठा उठा कर मारी और आपस में उनकी लड़ाई हो गई, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दर्शकों के बीच। तो ये मजेदार वीडियो आप देख लीजिए। Thank you.
फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।